हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफ़र, क्योंकि दोस्त जॉब जरूरी है। तो जैसा कि दोस्त आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं 9 फरवरी को जो गेट का एग्ज़ाम हुआ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बेसिकली इसमें हम देखने वाले हैं वो कॉमन पार्ट जो हर इंजीनियरिंग में पूछा जाता है। इसमें हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसके बाद हम देखने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम कल है, तो वो कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। और ये वीडियो उन दोस्तों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जिनका एग्जाम हो चुका है, ताकि वो देख लें इस क्वेश्चन को। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था कि द न्यूज पेपर आर ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ डिलाइट एंड द रिक्रिएशन फॉर मी द फिल इन द ब्लैंक्स ट्रबल इज डैट आई रीड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेनी ऑफ देम। दोस्त इसमें ऑप्शन आया था, पहला ऑप्शन था ओनली टू, एक में ओनली था, एक में टू था, एक इवन था, टू था, इवन था, क्विट था। तो ये तीनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनने थे। उसमें बेसिकली चार ऑप्शन थे, लेकिन मैं इसमें तीन ही ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वन, दो ओनली एंड टू। द न्यूज पेपर आर ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ डिलाइट एंड रिक्रिएशन फॉर मी एंड द ओनली ट्रबल इज डैट आई रीड टू मेनी ऑफ देम। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली इंग्लिश से बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, ऐसे इंग्लिश से एक दो प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि IIT मद्रास जो क्वेश्चन सेट की है, तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न इंग्लिश का दे दिया है जनरल एप्टीट्यूड में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ द बस डैट हैज बीन बुकड विल बी एबल टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑल द स्टूडेंट। इसमें ऑप्शन चार थे, आपको चार में से किसी एक ऑप्शन को चुनने थे। पहला ऑप्शन था एकोमोडेट, दूसरा ऑप्शन था सीट, तीसरा था डेटोरेट एंड फिल। तो आपको किसी में से इनमें से एक प्रश्न को चुनने थे। चलिए पहले मैं क्वेश्चन को बोल देता हूँ एक बार। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पैसेंजर्स वेयर एंग्री खालेसान द एयरप्लेन स्टॉप अबाउट द डिले। तो इसमें आपको चुनना था ऑन होगा, दूसरा ऑप्शन था टॉर्च होगा, या फिर बीथ होगा, या फिर अबाउट होगा। तो इसमें से किसी को आपको सिलेक्ट करना था दोस्तों। चलिए एक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, एक जनरल मैथ का क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि यदि कोई एक से जो किसी काम को 2 घंटे में करते हैं और बाइक किसी काम को 4 घंटे में करते हैं, तो बताइए कि दोनों मिल करके उस काम को कितने देर में करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच था, ऐसा था कुछ कि इसमें मतलब कि बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया हुआ था 4:3 का। मान लीजिए किसी कॉलेज में गर्ल्स एवं बॉयज का रेशियो 4:3 दिया हुआ था, और उसमें क्या था कि उसमें 80% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पास थे। मान लीजिए कि टोटल 1000 स्टूडेंट था, उसमें से 80% स्टूडेंट पास थे, बाकी जो 20% थे फेल थे। इसमें कह रहा है कि जो पास हुए हैं उसमें से लड़कियों की संख्या 90% है। तो पूछ रहा था कि बॉय हैं जो कितने प्रतिशत पास हुए हैं। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आप बना सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। इसमें क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर इवन ऑल डिजिट बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में पूछ रहा था क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि इसमें से कितना है जो डिजिट है इवन डिजिट है। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए 200, तो 200 में क्या है 2 भी इवन है और 0 भी इवन है, और 0 दोनों 0 इवन है। इसी तरह आपको जैसे 224, तो इसमें क्या है तीनों डिजिट आपको इवन होना है। तो आपको इस तरह का कितने डिजिट बनेंगे 100 से लेकर 1000 में। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन था 60 था, 70 था, 80 था, 90 था और 100 था। तो जो भी आंसर है आप इसको बना सकते हैं। आगे देखिए क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ था रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। इसमें पूछा हुआ था कि बताना है आपको इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था सीरीज का, इसमें था कि 343 दिया हुआ था, 1331 दिया हुआ था, और बीच में फिलिंग ब्लैंक्स था और 4913 दिया हुआ था। इसको आपको फिलिंग ब्लैंक्स आपको भरना था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अब मैथ का क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग मैथ का है। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली द आउटपुट रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम बाई टी। कोई सिस्टम उसका बाई टी का आउटपुट रिस्पांस पूछ रहा है, कब, जब उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है 100s into s² + s + 100√2। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि पहले इसका आपको पूछा हुआ क्या था, अगर स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालना आपको, यानी कि s टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको ये चेक करना था। सॉरी, इसका स्टेडी स्टेट ऑफ बाई टी, तो बाई टी का आपको पूछा है इसका मतलब क्या होगा, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी और एस टेंड्स टू जीरो, आपको यही देखना था। और आपको इसका ऑप्शन दिया हुआ था 1/10√2, 100/√2 एंड 100/3√2। इसमें से आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना था दोस्तों। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है, आप आसान से कर सकते हैं इसको। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है फंक्शन दिया हुआ था जो कि एनालिटिक है, किसमें mod z = <1 में एनालिटिक है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से आपका
ऑप्शन ए ये था, ऑप्शन बी ये था, ऑप्शन सी ये था, ऑप्शन डी ये था। तो आप देखिए इसको कि जो मॉड जेड इज लेस देन वन में एनालिटिक है कोई फंक्शन, तो इसका कौन सा फंक्शन इसके में इसको फॉलो कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका फॉलो कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आया था कि बताना है आपको कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है किसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये लैपलास का इक्वेशन दिया हुआ है, पॉइजंस पाइजोंस के दिया हुआ है, वेव का दिया हुआ है, फिर हीट इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें था क्या, डी स्क्वायर यू टी बाई डी टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर था डी स्क्वायर यू डी वाई स्क्वायर बराबर जीरो, जहाँ पे सी आपका जीरो नहीं होगा। तो ये आपका किसका इक्वेशन, आपको इस तरह के प्रश्न आए थे तो आप आइडिया लगा सकते हैं। यदि आपका एग्जाम कल है तो आप कुछ इसके बारे में कुछ आइडिया आप लगा सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसी मुताबिक आप तैयारी करके जा सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या करना था आपको, कि दो सेट दिया हुआ था, सेट एक्स दिया हुआ था और बाई दिया हुआ था। एक से जो न्यूमरेटर में ऊपर रखने के लिए बोला गया था, और बाई बोला गया था डिनोमिनेटर में। और इसमें कहा गया था कि इसको आपको प्रोडक्ट निकालना है किसका, जो भी जो सेट बनेगा, जो मिनिमम वैल्यू का बनेगा सेट, उसमें आपको एक्स जो जो तीनों सेट दिया हुआ है एक्स में वन टू थ्री और बाई में दिया हुआ है टू थ्री फोर, तो इसमें जो एक्स को न्यूमरेटर में रखना था और डिनोमिनेटर में रखना था बाई को, इसी से यूज करके एक मैक्सिमम वैल्यू का एक मिनिमम वैल्यू का आपको निकालना था और उसको मल्टीप्लाई करना था और उसका आंसर निकालना था आपको इसमें। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ था क्लोज लूप फंक्शन दिया हुआ था, इसमें था इंटीग्रेशन जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर प्लस एट जेड बाई टू डी जेड, और आपको मॉड जेड बराबर फाइव दिया हुआ था, आपको इसका वैल्यू निकालना था। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, हर कोई इसको बना सकता था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन क्या था, एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन ये था कि आपका एम कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, टू इंटू टू का मैट्रिक्स है और उसका आइगन वैल्यू है फोर और नौ, चार और नौ उसका आइगन वैल्यू है, क्योंकि टू इंटू टू का मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू दो ही होगा, तो चार और नौ इसका आइगन वैल्यू है। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स होगा एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, तो इसका है जो आइगन वैल्यू क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें था लैपलास निकालना था आपको, इन्वर्स लैपलास, इसमें था एच एस बराबर एस वाई थ्री सॉरी एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन फोर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस पर आपको इसका इन्वर्स निकालना था। तो कुल मिलाकर मैंने 15 क्वेश्चन आपको बता दिया, डिटो ये प्रश्न आए थे इसमें, और आप इसको देख सकते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको बखूबी पता होगा कि यही क्वेश्चन आया था। और एट लास्ट आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद।